पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव 19 तारीख को होगा और उसी दिन गिनती होगी। आज 14 नवंबर है और इस वक्त हम मगध महिला के पास हैं और आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं जो भी प्रतिनिधि हैं उनके तरफ से जो है लगातार जो है अपना जो है विचार जो है और एक पर्ची है वो यहाँ की छात्राओं को दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग यहाँ पे पर्ची दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो अध्यक्ष पद के लिए जो है अभी जो मैदान है उसमें 8 लोग हैं और उपाध्यक्ष के लिए जो है वो 9 लोग हैं। तो हम जरा इधर आएंगे और कुछ जो मगध महिला की जो है छात्राएं हैं हम उनसे बात करने के। जो मगध महिला की आप छात्र हैं? नहीं, मैं मगध महिला की छात्र एक्चुअली नहीं हूँ, मैं पास आउट हूँ। अभी मैं दरभंगा हाउस में हूँ और मैं यहाँ रविकांत ट्रेजरर के लिए पोस्ट पे है, उसके लिए कैंपेन करने आई हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी लोग एक दूसरे को जो पर्ची दे रहे हैं, तो उसमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन कैसा है? देखिए, कैसा है, ये पर्ची देने से सिलेक्शन नहीं होता है कि लीडर कौन होता है, सिलेक्शन होता है ना कि जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो लोगों से कनेक्ट कर पाए, जो लोगों की प्रॉब्लम सुन पाए। जैसे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है तो स्टूडेंट यूनियन में स्टूडेंट के प्रॉब्लम को कंसिडर करे, जो यूनिवर्सिटी लेवल या एडमिन। महिला का काफ़ी नाम है, तो क्या सुविधाएं हैं जो इस कॉलेज में अभी तक नहीं है? देखिए, जैसे बात अगर मैं कॉलेज की ना, अगर पूरी यूनिवर्सिटी लेवल की ही आपको बताती हूँ, तो बात ये है ना कि जैसे हमारे पास करियर काउंसलिंग सेल नहीं है। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब ग्रेजुएशन हो गया या ट्वेल्थ हो गया तो उसके बाद आगे हम कौन सा स्टेप लें, तो उसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो हम लोग प्रोवाइड करवाने के लिए सोच रहे हैं कि करियर काउंसलिंग सेल का ऑर्गेनाइजेशन कराएं, जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप होगा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट्स के साथ अवेलेबल रहेंगे। और उसके साथ हमने सोचा है कि वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है उसके अगेंस्ट भी हम टीम का गठन करें जहां वो रिपोर्ट कर सकती है। प्लस दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कि प्लेसमेंट की फैसिलिटी नहीं है, तो हम प्रॉपर प्लेसमेंट सेल का भी ऑर्गेनाइजेशन करवाने के बारे में सोच रहे हैं कि उससे हमारा प्लेसमेंट सेल का ऑर्गेनाइज हो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो बियर करते हैं कि उनको प्लेसमेंट मिलना चाहिए, तो वो प्रॉपरली, पटना यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ प्लेसमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, तो उसका होना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं तो वैसे रविकांत के लिए कैंपेन कर रही हूँ जो ट्रेजरर के पोस्ट पे है, अभी वाणिज्य का काउंसिलर रह चुका है तो, और कॉमर्स का भी स्टूडेंट है, तो ट्रेजरर का काम ही होता है फंड का एलोकेशन करना, तो आई थिंक कि उससे बेटर कैंडिडेट नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बीइंग अ गर्ल, कि आप उसने, उसको मैंने देखा है एकदम जीरो लेवल से काम करते हुए, कि कैसे उसने वर्कआउट किया और वाणिज्य के कैंपस के लिए बहुत कुछ चेंज करवाया। अब पहले से सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उस मैंने उनको देखा है काम करते हुए, इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगी कि वो जितने भी लोग हैं उनको करें। बाकी तो फिर बात यह है कि आप किसी को भी वोट करो एटलीस्ट, किसी को भी करो। अभी जो है जो ये बताया जा रहा है, एक PIL दाखिल किया गया पटना यूनिवर्सिटी को लेकर, चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में, कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका जो है एडमिशन नहीं हो पाया, 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो फिर कैसे चुनाव हो रहा है? क्या नहीं हो पाया, मैं समझ नहीं पाया। 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं अभी इस यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है इस सेशन में, तो वो लोग, वो सीट जो वैकेंट है, तो वो लोग चुनाव में कैसे भाग रहे हैं? देखिए, तो जो वैकेंट सीट है वहाँ पे तो प्रॉपर एडमिशन होना चाहिए, जहाँ पे सीट वैकेंट हो गई है। ये तलवार अभी लटक रही है कि हो सके तो ये चुनाव अभी कैंसिल हो जाए। अब देखिए, अब एक्साइटमेंट स्टूडेंट्स के बीच का देख के तो नहीं लग रहा है कि चुनाव कैंसिल होने के कोई चांसेस है, बट आगे जो, ठीक है, जो तलवार लटक रहा है उसका डिसीजन आगे देखा जाएगा कि कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। देखिए, तो जो ये महिला, मगध महिला के स्टूडेंट रह चुकी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कॉलेज में मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए, जो सेक्चुअल हैरेसमेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं और प्लेसमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कुछ हम और जो है महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। आप लोग किनको सपोर्ट कर रही हैं? वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट, कौन सी पार्टी से है या कौन सा आपका जो है वो दल है? हम CYSS से, ये आम आदमी पार्टी का। आम आदमी से, ठीक है, आप आम आदमी की पार्टी से, वो स्टूडेंट विंग से आप लड़ रही हैं, तो क्या होना चाहिए यहाँ, सुविधाएँ क्या होनी चाहिए? यहाँ पे सुविधाएं बहुत सारी कमियां हैं जो कि गर्ल्स को लेकर है। हमारी यूनिवर्सिटी में गर्ल्स ज़्यादा है बट उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो हमारा फोकस यही रहेगा गर्ल्स पे, हमारी सारी फोकस गर्ल्स पे रहने वाली है। यहाँ पे आप एक देख रही होंगी, सभी लोग है, प्रत्येक जो है स्टूडेंट है जो इस कॉलेज की है, 5 से 10 लोग एक बार जा रहे हैं, उनको पर्चियाँ दे रहे हैं, वो लोग कैसे समझ पाएंगे?
वो लोग समझ नहीं पा रही हैं, वो लोग को बस हाथ में मिल रहा है, और क्योंकि ये लोग अपना काम नहीं बता पा रहे, ये लोग काम किए या नहीं किए जो भी, ये लोग काम नहीं बता पा रहे, वो लोग ले रही हैं और बिक रही है, दैट्स ऑल। यानी जो यहाँ मूल बीच सुविधाएं होनी चाहिए उसकी बात हो रही है, लेकिन एक प्लेसमेंट का भी काफ़ी बड़ा जो है वो खालीपन है यहाँ से। जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होते हैं तो वो सभी चाहते हैं कि हमें रोज़गार मिले, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार का प्लेसमेंट की व्यवस्था नहीं की जाती। देखिए, यूनिवर्सिटी में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उस बहुत प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो भी मुद्दा यही रहेगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो लोग हम उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। आपका नाम एक बार क्या है? मेरा नाम मुनमुन है और हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पे खड़े हो रहे हैं। थैंक यू। तो ये है मुनमुन है, जो केजरीवाल की पार्टी है CYSS जो है, उसकी जो है छात्र विंग की है, जो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं। सभी ने कहा है कि यह महिला डोमिनेट जो है यूनिवर्सिटी है, 4 से 5 जो कॉलेज हैं महिलाओं के लिए है यहाँ पे, लेकिन आप सोचिएगा अगर महिलाओं के बारे में तो यहाँ पे क्या है। सभी दो कैंडिडेट और कहें कि दो जो आदमी महिलाओं ने अपनी व्यथा दिखाई है, तो किस प्रकार से जो है यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए है, और जो मूलभूत सुविधाओं में काफ़ी सारी सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, लेकिन एक जो यहाँ पे जो तरीका जो दिख रहा है कि जो एक साथ 10 से 15 लोग जो हैं, जो भी वहाँ से जो स्टूडेंट आ रही हैं, उनको 5 से 10 पर्चियाँ थमा दी जाती है, भला वो कैसे सेलेक्ट करेंगी कि कौन क्या है और कैसे है। तो ये पटना यूनिवर्सिटी में जो है छात्र संघ का जो है वो चुनाव चल रहा है, और सभी लोग अपनी तरफ से अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, या तरीका अलग अलग है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।